एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं अविशी के पापा और अविशी तीनों आज थोड़ा आज कोई बहुत सुंदर लग रहा है। हम तीनों रेडी होके बाहर जा रहे थे। बाहर तो हम ऑलवेज जाते हैं, लेकिन आज हम क्यों ऐसे खड़े हैं बाहर आके सोसाइटी में? यहाँ हमारी कार नहीं है, कार चली गई, तो हमें ना तो हम कर रहे हैं अभी ओला बुक, और ओला बुक करके देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। थोड़ी एक्साइटमेंट है और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी, एक धमाका। अब वो धमाका क्या होने वाला है बता दूंगी तो सारे सस्पेंस क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आगे के सरप्राइज़ के लिए और धमाके के लिए, ज़बरदस्त धमाके के लिए आप ब्लॉग में बने रहो। हेलो, हाँ बाबू है ना, बाबू अभी तो यहाँ आ गई है। हमने को ओला बुक किया था तो आ गई है हमारी कैब और हम निकल पड़े हैं जहाँ हमें जाना है। तो आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गेस कर लो, बाकी मैं क्लियर कर दूँगी। तो हम अभी पहुँच चुके हैं नेक्सा के शोरूम में, ये देखो। तो अब तो गेस कुछ रहा नहीं, अगर गेस कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो चलो मैं क्लियर कर देती हूँ। अब नेक्सा के शोरूम में आया तो क्या करने आए, कपड़े खरीदने तो आएंगे नहीं। तो यहाँ हम आए हैं आज अपनी नई कार लेने। एक्चुअली कार हमने पहले ही बुक कर दी थी, तो यहाँ लास्ट में जो कुछ पेपर वर्क की जो फॉर्मेलिटी होती है वो अविशी के पापा कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि हैंड ओवर करने से पहले काफ़ी सारे पेपर को चेक करना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है, पॉलिसीज समझने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी, तब तक मैं और अविशी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अभी सीधे उधर भाग रही थी तो मैं पकड़ रही थी, क्योंकि वो अपने पापा को डिस्टर्ब कर रही थी। ये है हमारी कार जो अभी डिलीवरी हुई नहीं है, लेकिन वो मैं आप मेरे चेहरे से देख सकते हो कि हम कितने एक्साइटेड थे, वेट अब हो नहीं रहा था। फाइनली हमें हैंडओवर कर दिया गया और हमने पर्दा उठा दिया हमारे कार से, और ये है हमारी नई कार जो जिसका नाम है फ्रॉन्क्स। बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। घर में कोई नया मेम्बर जब आता है ना, नई चीज़ें आती हैं तो कितनी खुशी होती है। तो पुरानी वाली गई तो दुख हो रहा था, लेकिन ये नई आई है तो और ज़्यादा खुशी हो रही है कि घर का एक फैमिली मेम्बर जैसे आ गया हो। दो चार पाँच दिन जब कार नहीं थी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर यहाँ नॉर्मल जो तिलक चंदन होता है वो मैंने लगा दिया, क्योंकि ऐसे कैसे ड्राइव करते हैं। तो वहाँ लोगों ने पूजा की थाली रखी थी तो मैंने स्वस्तिक ये कर दिया, बना दिया, फूल चढ़ा दिया। और यहाँ पे जो हेड थे ना वहाँ के, वो फीडबैक ले रहे थे कि आपके पास एक कॉल आएगा, कंपनी का कैसा रिस्पॉन्स रहा, कैसा मतलब कितना सपोर्ट किया, तो वो आपको बताना है। एक्चुअली जल्दी जल्दी मैंने उल्टा ही स्वस्तिक बना दिया था, इतनी एक्साइटेड थी मैं। तो फिर वहाँ के स्टाफ ने अच्छे से स्वस्तिक सीधा बनाया, और फिर मैं और अविशी के पापा अपनी नई कार में बैठे। बाबू भी बहुत खुश दिख रही थी, वो रो बिल्कुल नहीं रही थी। और ये हमारी इस कार में फर्स्ट ड्राइविंग थी, मतलब फर्स्ट ड्राइव पर हम निकले थे। फाइनली हम बैठ गए, इतना मज़ा आ रहा था, क्या एक्सपीरियंस था इस कार का। और अभिषेक के पापा को तो ड्राइव करना था, वो एक्साइटेड होंगे ही। और नेक्सा वालों की सर्विस इतनी अच्छी थी कि वो लास्ट मोमेंट तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, जब तक हमने वहाँ से ड्राइव करके हम निकले नहीं तब तक वो खड़े रहे। अच्छा लग रहा है ना कार? आप भी कमेंट करके बताना हमारी चॉइस कैसी है। ये थोड़ा और ज़्यादा हंसो, थोड़ा और ज़्यादा हंसो, इतने छोटे छोटे स्माइल से थोड़ी काम चलेगा। इतना बड़ा धमाका हुआ है नए साल में, इसलिए हमें ओला बुक करना पड़ा था, इसलिए कैब बुलानी पड़ी थी रेंटल, क्योंकि हमारे पास कार नहीं थी और हमने कार दे दी थी, क्योंकि हमें लाना था नया कार, हमें लानी थी नई कार, बिकॉज के बस अब मूड बन गया था इनका। बहुत अचानक से इन्होंने देखा फ्रॉन्क्स फ्रॉन्क्स फ्रॉन्क्स, बोले नहीं सिमरन मैं कार लूँगा। हमारा कोई प्लान नहीं था चार पाँच दिन पहले तक, लेकिन अचानक से ऐसा दिमाग फिरा तो हमने सोचा कि नहीं चलो लेते हैं। और ये चूँकि दिसंबर में ही प्लान बना था तो मैंने सोचा चलो न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में हम एक धमाका करेंगे, न्यू ईयर में एक नए मेहमान की एंट्री करेंगे अपने घर में। बस हमने ले लिया, ये हमारी फर्स्ट ड्राइविंग है, मतलब फर्स्ट ड्राइव है हमारी शोरूम से घर तक। आज चूँकि इनकी थोड़ी ऑफिस है और शाम भी हो चुकी है तो मंदिर नहीं जा पाएंगे। कल हमने सोचा है कि कल मंदिर जाके गाड़ी की पूजा कराएंगे,
अभी हमें विश कर दे। और जिन जिन हमारे YouTube फैमिली को मिठाई खाना, उनको आना पड़ेगा हमारे घर। बहुत सारी मिठाइयाँ मैं रेडी रखूँगी, तो मैं आपको ऑन कैमरा और YouTube के माध्यम से इनवाइट कर रही हूँ। या हमारी गाड़ी की आने की नई खुशी में आप भी शामिल हो जाओ और मुँह मीठा में करो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्वीट्स देने हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं पूजा करने के बाद करूँगी। मंदिर से एक बार गाड़ी को घुमा के लेके आऊँगी, पूजा पंडित जी से पूजा करा लेंगे, फिर सबके बीच में स्वीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। कुछ एक जो खास लोग हैं जो हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी हैं उनको देंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, नई गाड़ी टर्बो इंजन। बचपन में जैसे हमारी छोटी सी साइकिल आती थी ना, नई साइकिल पर चढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था। वैसे ये नई साइकिल है बच्चों की तरह, मज़ा आ रहा है सब। वाकई ड्राइव करने में तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा हूँ। मैंने बोला कि नई नई जो कार आएगी मैं उसी में ड्राइव करना सीखूंगी, तो वो बोले नहीं पुरानी वाली में सीख लो, मुझे गाड़ी में स्क्रैच नहीं चाहिए। मस्त दीदी। हाँ मस्त है। Amazing experience. गाड़ी आने के साथ साथ वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है। ठंडी का मौसम है, ठंडी लग रही है, हवा बहुत मस्त चल रही है। ये क्या? घर पहुंचने के बाद हमने सोचा गाड़ी की अच्छे से वीडियो निकालते हैं, फ्रंट से बैक से कि कैसी दिख रही है। आप कमेंट करके ज़रूर मत बताना। ये मेरी चॉइस थी वाइट, अभिषी के पापा को ब्लैक चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा नहीं वाइट लेते हैं, वाइट में थोड़ा अच्छा लुक आता है। जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ बैठे हैं हम कार में, इसलिए मैंने वाइट चूज़ किया। अभी तो ये हमारी छोटी सी ड्राइव थी, चूँकि शोरूम से लेकर घर तक। अभी कल जाएंगे मंदिर, फिर वो हो गई हमारी लॉन्ग ड्राइव, फिर आपके साथ शेयर करेंगे इस नई कार का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी माइलेज है इसकी। तो अभी जस्ट हम लेके चले हैं क्योंकि शाम हो रही थी। आज का ये धमाकेदार और मज़ेदार ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? नया साल में नया धमाका हुआ ना। तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मिठाई खाने आ जाना, मतलब ऐसे इन्वाइट कर रही हूँ, आप लोग आओ घर पर, आप लोग ढेर सारा मुँह मीठा करूँगी मैं, क्योंकि आपको पता ही है घर में कुछ नया ऐड होता है, कोई नया मेंबर आता है तो बहुत खुशी होती है, वो मुझे भी हुई है। और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले ऐसी सब धमाकेदार वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।